देख लो इसमें ना मैं क्लास वाइज करा दे रहा हूँ सारा आ, मतलब एम सी क्यू जितने भी है ना टॉपिक चैप्टर वाइज तो कुछ सेलेक्ट कर रखे हैं वो मैं करा देता हूँ तो पहले तो इसका कर लो आ, तुम लोग जो तुम्हारा चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ सोल उसके हैं एम सी क्यूज अब अगर पढ़ रखे होंगे तो अच्छे या नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं अब देख लेना और जो ग्रुप में भी ऐड हुए हो ना ये टेलीग्राम वाला स्माइल इलेवन वाला उसमें मैं सारे वो भेज दूँगा पी डी एफ आप आज का टाइम है तुम्हारे पास अपना कर लेना आधे बच्चों का इको का पेपर है तो इसमें है एक क्वेश्चन कि वट आर द टू फॉर्म ऑफ आर्ट दैट द ऑथर कॉन्ट्रास्ट इन दिस चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल ठीक है तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो तुम लोगों का वो है आर्ट थी वो कौन सी थी चाइनीज और यूरोपियन आर्ट थी ठीक है लैंडस्केप ऑफ द सोल में जो उसमें था फिर सेकेंड क्वेश्चन है हु डिड द टैंग एम्पर जेंगोंग कमीशन टू डेकोरेट अ वॉल इन पैलेस ठीक है हु डिड द टेंग एम्पर जियांगोंग कमीशन टू डेकोरेटर वॉल इन palace. तो कौन था Wu Daozi. अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको आंसर पता होगा Wu Daozi थे जिन्होंने इसको किया था उसके बाद ये देखो इसमें वैसे तो एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो देखो एक्स्ट्रैक्ट से तुम लोग डाइडाइड कर लोगे आप लोगों को चैप्टर्स पता होंगे तो बहुत इजीली इंग्लिश इंग्लिश में जो जहाँ फंसोगे ना वो फंसोगे ग्रामर में लिटर माइनर्स प्रपोजिशन एनालिटिकल पैराग्राफ नोटिस राइटिंग वो सारा मैंने ना ऐप में डाल दिया है जिस टेलीग्राम ग्रुप में तुम लोग जुड़े हुए हो उसमें आ, क्लास इलेवंथ का है ना ऐप का लिंक भी है उसमें जाना वीडियो सेक्शन में जाना उसके वीडियो सेक्शन में तुम्हें वहाँ पे नोटिस राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ लेटर राइटिंग लिटर माइनर्स प्रेपोज सबकी वीडियो मिल जाएगी उसको थोड़ा सा हल्का सा फास्ट कर कर के देख लेना आज आज में सारा रिवाइज हो जाएगा मेन उसी का ये सारा क्योंकि लिटरेचर तो फिर भी कर लोगे लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा नेक्स्ट है हु वॉज द एम्पर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी तो हमें पता है टैंग ज़ुंगाओ इज द एम्प्रर देन नेक्स्ट है आपका वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग वेयर डिड द एम्पर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग ठीक है रातना वेयर डिट द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग तो उन्होंने एक माउंटेन बनाया था उस माउंटेन में एक गुफा बनाई थी ठीक है तो इसका आंसर होगा डी अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन फुट ऑफ द माउंटेन मतलब बिल्कुल वैली के आसपास देन नेक्स्ट है वट है पेंटर एंटर द केव हुआ क्या जब पेंटर ने केव में एंटर किया तो बेसिकली जब वो एंटर हुआ तो एंट्रेंस जो थी ना केव की वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे से बंद हो गई थी तो एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम जो एंट्रेंस है वो क्लोज हो गई थी उसके बाद नेक्स्ट है वट हैपन्ड वन देंटर कोलैप्स हिज हैंड क्या हुआ जब पेंटर के हाथ जो है मतलब एक थपकी के लिए या ताली के लिए टकराए तो हुआ क्या था कि आ, जो वॉल थी वो गायब हो गई थी मतलब जो वॉल थी वो चली गई थी और आ, पेंटर भी वहाँ से अचानक से गायब हो गया तो इसका आंसर क्या होगा ए होगा इसका आंसर ये पी डी एफ भी तुम्हें टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी ऐप पे मिल जाएगी अभी लिखने मत बैठना अभी बस समझ लो नेक्स्ट है वाई डिड द पेंटर वॉन्ट टू ड्रॉ एन आई ऑफ ड्रैगन जो पेंटर था वो ड्रैगन की आई क्यों ड्रॉ करना चाहता था क्योंकि उसके अंदर ही फियर दैट अ ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग कि भाई जो ड्रैगन है उस पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा इसलिए उन्होंने उसकी आई को ड्रॉ किया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा वट डू द बुक्स ऑफ कन्फ्यूसिस एंड जूंगजी टीच ये जो दो किताबें थी चाइनीज़ ये हमें क्या सिखाती हैं तो बेसिकली ये हमें सिखाती है डिसप्लिन और अपनी ज़िंदगी को एक राइट right डायरेक्शन में ले कर चलना तो इसका आंसर है ए ठीक है अगर ये कहानियाँ पता है और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ इनके आंसर तुम रिमाइंड रखते हो तो कल जब एक्स्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से इसको सॉल्व कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है बस यही वाले एम सी क्यूज़ हैं और ये इम्पोर्टेंट है सारे एम सी क्यूज़ इनको बस इन्हीं को कवर अप कर देना चैप्टर वाइज नोट्स मैं भी दे दूँगा तुम लोगों को मतलब अभी तुम्हारे पास कल ही है पेपर ठीक है आज रात तक का टाइम है अभी आधे बच्चे तो इको पढ़ रहे होंगे क्योंकि उनका फिर इको का पेपर है उनके पास तो सिर्फ रात रात बचेगी और फिर कल की ये वाली सुबह बचेगी तो एक रात जग लेना एक रात जग के जितने भी मैं नोट्स भेजूंगा वो कवर कर लेना सारे के सारे ठीक है तो ये सारा का उसमें निकल के आ जाएगा कंप्लीट मतलब लास्ट बचेगा और इंग्लिश का है कि ऐसा कुछ खास कंटेंट अभी है नहीं तो ये तो बना रखा है बस कर रखा है उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द फिफ्टीन सेंचुरी एंड रैप तो उसका नाम क्या था क्विंट मैटिस क्विंटन मेटिस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है वाई डिड द फादर अप्रूव वाई डिड द फादर अप्रूव ऑफ द लव ऑफ इस डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ क्योंकि उसकी बेटी को एक लोहार से प्यार हुआ था ना ठीक है तो उसके फादर ने हाँ बोल दी थी तो उसका रीज़न क्या था उसका रीज़न था उसके प्रोफेशन की वजह से ठीक है ड्यू टू हिज प्रोफेशन देन वट डिड क्विंटेन डू टू गेट हिज अप्रेंटिसशिप इन टू हिज मास्टर स्टूडियो उन्होंने क्या किया क्या था था ने टू गेट हिज अप्रेंटिसशिप इन हिज मास्टर स्टूडियो तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक फ्लाई बनाई थी उसके लेटेस्ट पैनल पे और वो जो फ्लाई थी एकदम ही रियल लग रही थी ठीक है देन नेक्स्ट है आपका कि वट डेड द टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिपिक्ट जो ये आर्ट की दो फॉर्म थी वो क्या बताना चाहती है वो क्या दर्शाना चाहती है तो वो ये दर्शाना चाहती थी कि एक तो ये परफेक्ट थी और ये इल्यूजनिस्टिक थी इल्यूजन मतलब होता है भ्रमित करने वाला इल्यूजनिस्टिक थी जैसे कि यूरोप में और इसके अंदर कुछ कुछ एशिया के स्पिरिट्स थी तो इसका आंसर है ए ठीक है ये ठीक है, है रातना उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा एक वर्ड है इसमें डाओ डी ए ओ डाओ वट डू मीन बाय द वर्ड डाओ बताओ डाओ का मतलब क्या होगा तो डाओ का मतलब था एक बोथ नहीं परफेक्शन नहीं है बोथ द पाथ और द मेथड और द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स इसका मतलब था डाओ नेक्स्ट है वट डज़ द चाइनीज़ लैंडस्केप डिपिक्ट जो चाइनीज़ लैंडस्केप है वो क्या दर्शाना चाहता है जो चाइनीज़ लैंडस्केप है वो क्या दर्शाना चाहता है कि भाई ये कभी रियल नहीं होते दे आर नॉट रियल वन कैन एंटर फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट न फोर्टीन देन नेक्स्ट है वट डज लेजरली मूवमेंट देखो लेजर का मतलब होता है खालीपन वट डज द लेजरली मूवमेंट मीन जो लेजरली मूवमेंट है उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एकदम रिलैक्स रहें तो लेजरली मतलब होता है अ रिलैक्सड मूवमेंट ठीक है ये सब पोयम में है वट डिड द चाइनीज पेंटर वॉन्ट द व्यूअर टू डू जो चाइनीज पेंटर थे वो क्या चाहते थे व्यूवर्स जो हैं वो क्या करें वो ये चाहते थे कि जो उनके व्यूअर्स हैं वो उनके माइंड में आ जाए उनकी चीज़ों को रियल कर सकें तो इसका आंसर है ए ही वॉन्ट द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड देन नेक्स्ट है वट डज द कंसेप्ट ऑफ शेंक्शुई रिप्रेजेंट जो एक होता है फेंकशुई एक बिल्ली आती है ऐसे ऐसे हाथ हिलाती रहती है वो भी फेंकशी होता है फिर वो दरवाज़ों में टांगते हैं टन 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 आवाज़ करती है वो भी फेंकशी होता है ठीक है तो ये किस चीज़ को रिप्रजेंट करता है तो बेटा ये रिप्रजेंट करता है माउंटेन वाटर को ठीक है और माउंटेन वाटर जो है वो लैंडस्केप वर्ड को रिप्रेजेंट करती है तो चैप्टर ये ना लैंडस्केप ऑफ द सोल सोल मतलब फीलिंग आत्मा ठीक है तो वो चीज़ उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा वट डज इन मीन्स इनका मतलब क्या है वट डज इन मीन्स इनका मतलब क्या है इनका मतलब है वॉटर कोई भी ऐसी चीज फ्लूड कोई भी ठंडी चीज उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोयम नेक्स्ट है वट डिज यंग मीन्स ठीक है जो यंग है वज यंग मीन्स कि भाई हम एंग किसको बोलेंगे तो यांग का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो सूरज की तरह सूखी हो और यिंग मीन यिन मतलब क्या होता है जो किसी पानी की तरह भीगी हो और अर्थ पे रेस्ट पोजीशन में हो वट इज द रोल ऑफ द मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ हेवन और अर्थ के बीच में वट इज द रोल ऑफ द मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ हेवन और अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है कम्युनिकेशन दे ही बिकम द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो उनका रोल है उसके बाद है वट वॉज द फ्रेंक चेंग एक्सप्रेशन बताओ ये बताओ क्या था वट वॉज फ्रेंकइ चैंग एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है राधना यह है आई ऑफ द लैंडस्केप इसका आंसर है बी ठीक है इसका मतलब है नेक्स्ट है तुम्हारा वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टर पीस ऑफ द एम्पर वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टर पीस फॉर द एम्पर टू सी उन्होंने कहाँ छुपाया था बिहाइंड द स्क्रीन छुपाया था उसको इसका आंसर क्या है सी है देन नेक्स्ट है वट डज़ यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर्स जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए यूरोपियन फिगरेटिव ये जो पेंटिंग है इसका मतलब क्या था उनके लिए इसका मतलब था एक्जैक्टली exactly, किसी भी एंगल से देखो वो सेम लगते हैं ठीक है तुमने कई बार ऐसी इंस्टा पर फ़ोटोज़ देखी होंगी कि मतलब वो टुकड़े टुकड़ों से, से बनाई गई होती है उसको तुम इस एंगल से देखोगे तो वो कंप्लीट दिखेगी सामने आओगे तो कम, वैसा दिखेगा इधर से देखोगे तो कभी तुम किसी भगवान की तस्वीर को नोटिस करना तुम देखना कि तुम राइट से देख रहे हो तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि उनकी आंखें तुम्हें देख रही हैं तुम लेफ्ट से देख रहे हो तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा उनकी आंखें तुम्हें देख रही हैं और तुम फ्रंट से देखोग तो भी तुम्हें ऐसा लगे उनकी आंखें तुम्हें देख रही है देख तो एक तरह के इल्यूजन होता है ये वट इज़ द एसेंशियल थर्ड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लैंडस्केप ऑफ द सोल एसेंशियल थर्ड स्टेटमेंट क्या थी लेफ्ट वर्ड मिडल वर्ड यांग या यिन बताओ एग्जैक्टली क्या था सलोनी वट इज द एसेंशियल थर्ड एलिमेंट मिडल वर्ड वर्ड मतलब खालीपन नेक्स्ट वट इज द थर्ड एलिमेंट कम्पेयर्ड विद जो थर्ड एलिमेंट है उन्होंने उसको किस चीज़ से कंपेयर किया थर्ड एलिमेंट को उन्होंने किस चीज़ से कंपेयर किया उन्होंने उसको प्राणायाम से कंपेयर किया था जो कि इंडिया का एक योगा प्रैक्टिस थॉट है नेक्स्ट है अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंस्टन मेस्टिल्स फेल इन लव विद डैश डॉटर किस डॉटर के साथ थी वो विद एम्प्रेस डॉटर पेंटर्स डॉटर मिनिस्टर्स डॉटर या फिर मास्टर्स डॉटर मिडल वर्ड सैयद सलोनी शिवानी नीतू ये कौन है वी के यूनिक ब्रो कौन था पेंटर्स डॉटर उसी ने पेंटिंग बनाई थी ना एक्स्ट्रैक्ट बेस बहुत सारे हैं क्वेश्चन अब इसके लिए सबसे इजी है जो मैं नोट्स वाला भेज दूंगा सारे चैप्टर्स का ठीक है वो वाले कंप्लीट कर लेना अच्छे से एक मैं तुम्हें तो दिखा देता हूँ जो मैंने मतलब बना रखे थे ठीक है देखो इस तरह से हैं जैसे ये है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का तो इसमें ये बिल्कुल पूरे चैप्टर का कह लो डीप भी कह लो इसमें सब कुछ है मतलब यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन ठीक है चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद उस चैप्टर की सारी थ्योरीज उस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी जो भी मीनिंग्स है क्योंकि सिनोनिम्स वगैरह बहुत पूछे जाते हैं तो उनके सिनोनिम्स और उसका कंप्लीट ये देन यहाँ पर सिनोनिम्स क्रिस क्रॉस था ना उसमें दब उसके दादी जी के चेहरे पे और सिल्वर लॉक्स जो बालों से ये इन सब से सवाल आएंगे सिल्वर लॉक्स क्यों कहा गया था उसके बालों को ठीक है वट डू यू मीन बाय द लैंडस्केप ऑफ सोल द ग्रेट एक्ट ऑफ सेपरेटनेस ये सारी जो चीज़ें यहाँ से वो क्वेश्चन उठाएंगे ठीक है देन उसके बाद ये कंप्लीट ठीक है उसके बाद यहाँ पे सारे बेदलाम क्या था कन्फ्यूज़न थी ना एक प्लीज शू लास्ट वाला जो सीन है जब वो उसके चिड़ियों को खाना खिलाती है तो उसके बाद वो चिड़ियाँ जब उसकी डेथ हो जाती है तो सुबह जब उसकी मम्मी उठती है देखती है ब्रेड क्रम्स अभी भी वहीं रखे चिड़ियों ने उसे खाया भी नहीं था ठीक है तो ये छोटे से हैं कंप्लीट और फिर इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप भी हैं थोड़े बहुत ये वाले क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर तुम कवर कर लोगे तो भी हो जाएगा ये मैं एज़ इट इज़ भेज दूंगा अगर ये ही पढ़ लोगे तो इसमें से सारा तुम्हें सारा कवर हो जाएगा सारा चैप्टर फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अलग से तो नहीं करने की जरूरत है ऐसे ही लैंडस्केप ऑफ द सोल का भी है जैसे ये रहा और द लैबरन टॉप का भी है दिखा देता हूँ ठीक है ये लैबरन टॉप वाला जो चैप्टर है इसमें भी कंप्लीट uh, ये है सारा का सारा जैसे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर उसमें जो भी चीज़ें हैं चैप्टर की थीम जो सवाल पूछेंगे ना थीम ऑफ द चैप्टर में से ठीक है उसके लिए अब नोटिस वगैरह अभी बताता हूँ पहले देख लो ठीक है देन समरी ऑफ द चैप्टर समरी के बाद यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड समझाना शुरू किया है मतलब पूरे एक एक्सट्रैक्ट लिया उस एक्सट्रैक्ट में जैसे लाइब्ररम का मतलब क्या है शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज येलो फ्लावर पॉइजनस सीड देन उस एक्सट्रैक्ट के अंदर बेसिकली येल्लो वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया लीव्स के लिए सनलाइट के लिए यूज़ किया गया है येल्लो वर्ड किसको को सिम्बोलाइज करता है साइलेंस को डेथ को ब्यूटी को सिम्बोलाइज करता है और वो डिस्क्राइब करता है ट्री का कलर के साथ फिर गोल्ड फिंच का आता है वो पूरा वाला पार्ट तो उसके मीनिंग्स क्या क्या हैं चिटरिंग का मीनिंग क्या है थ्रिल्स का मीनिंग क्या है ठीक है उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर तुम्हें लिटरेरी डिवाइस दिखेंगे यहाँ से भी सवाल पूछते हैं लिटरे डिवाइस में से जैसे अल्ट्रेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे जैसे सितंबर सनलाइट एस एस रिपीट हो रहा है ट्री ट्रेम्बल टी टी रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे अल्ट्रेशन है सिमिली कहाँ पे है जहाँ पे हम लोग किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं ना उसको तो यहाँ पे स्लीक एज अ लिजर्ड कंपेरिजन किया गया है मेटाफोर कहाँ पर है परसोनीफिकेशन कहाँ पर है ये वाला पूरा पार्ट फिर इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं ठीक है फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर्स ये कर लेने हैं और कुछ नहीं करना इधर उधर मतलब वो भटकना मत कि भाई कहाँ से क्या करना है ये एक दिन तुम्हारे पास पूरा होगा जो अभी एग्ज़ाम दे के आके वीडियो देखेंगे या तुम लोग का पेपर नहीं है अभी पूरा टाइम है पूरी रात है कल भी तुम्हारे पास दो बजे तक का टाइम होता है तुम लोग को स्कूल तीन बजे पहुंचना होता है साढ़े तीन पेपर होता है शायद हाँ सॉरी दो, दो तुम्हें एक बजे स्कूल पहुँचना होता है एक बजे सब एक डेढ़ तो पहुँचना होता है सवा एक चार तुम तो दोपहर के बच्चे हो ना इवनिंग शिफ्ट का हो गया चार बजे मॉर्निंग शिफ्ट के एक बजे मतलब ये मान लो इवनिंग शिफ्ट वालों के पास और टाइम बच जाता है इवनिंग शिफ्ट वालों के पास अभी सुबह का भी टाइम है इकोनॉमिक्स के लिए तो ये मान लो बारह बजे तक का फिर भी तुम पे टाइम होता है तो बारह बजे बहुत होता है अगर तुम सुबह आठ बजे से भी बारह तक करते हो तो नौ दस ग्यारह चार घंटे होते हैं और इसमें ये थ्योरी मैंने तैयार करके पूरी दे दी है जैसे इसमें मैंने एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड भी डाल दिए हैं ये एक्स्ट्रैक्ट क्या था स्लीक एज डिजर्ट अलर्ट एंड एब्रप्ट तो भाई इसमें शी क्या है मशीन जो वर्ड है कल ही मैंने बताया था मशीन कौन है मशीन तो वो है ट्री है इंजन कौन है इंजन गोल्ड फिंच बर्ड है क्योंकि जब बर्ड खाना खिलाती थी तो वाइब्रेशन होती थी तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा फीड एंड फ्लटर से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा ठीक है तो ये वाले पार्ट तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए ना इनको रीड कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आंसर एम रीड करना अ, मतलब जो है ज़्यादा मतलब मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर रीड करने से एम सी क्यू में तो देखो तुम एम सी क्यू तक ही सीमित रह जाते हो अगर अगर तुमने चैप्टर एकदम अच्छे से कर लिया तो फिर कहीं से एम सी क्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और लिटरेरी डिवाइसेस के भी एक पी डी एफ है मैंने वो टेलीग्राम पर शेयर करी है वो मैं अलग से एक बार बता दूँगा ठीक है और ऐसे ही और ग्रामर की बात है तो ग्रामर का तो देखो ऐसे है कि क्या बोलते हैं ऐप में सारी वीडियोज़ हैं तुम सबने ऐप इंस्टॉल कर रखा होगा उसमें जाना उसमें मैं डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक दे दूँगा ग्रुप में उसका वैसे कोड है शायद स्माइली एलेवन कोड है वहाँ पर बैच कोड ये डाल देना उसमें ऐप में तुम्हें मिल जाएगा मैं दिखा देता हूँ सारा एक बार क्योंकि बेस्ट बेस्ट वही है कि तुम तो उसको सारा कवर अप कर लो ठीक है इसमें देख लो एक मैं दिखाता हूँ तो, हाँ ठीक है ये इस तरह से है इसमें ना तुम लोगों को ये वाला ग्रुप है इसमें करीब 300 बच्चे हैं कौन सा वाला ये वाला ठीक है मतलब तुम लोगों तो कर रखा है ना वो तुम देख लो वो प्ले स्टोर में जाके स्माइली सर का ऐप है उसे इंस्टॉल कर देना ये वहाँ पे ना एक नीचे प्लस का साइन होता है बैच कोड मांगता है वो तो तुम्हें बैच कोड में ये डालना है एस एम आई एल ई वाई ये कोड डालना है स्माइली इलेवन वरना इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा उससे डायरेक्ट क्लिक करके भी हो जाएगा अगर नहीं होता तो ये स्माइली इलेवन डाल देना इससे हो जाएगा ठीक है यहाँ पर जब आओगे ना जब ज्वाइन कर लोगे ग्रुप बैच को तो वहाँ पर जाना वीडियोज़ के सेक्शन में तो वीडियोज़ के सेक्शन में देखो एडवर्टीज़मेंट का फोल्डर मिलेगा इसके अंदर एडवर्टीजमेंट के नौ लेक्चर हैं इसको वन एक्स की स्पीड में देख लेना वन पॉइंट फाइव एक्स की स्पीड में देख लेना ये नौ लेक्चर मैक्सिमम से मैक्सिमम ढाई से दो तीन घंटे में ख़त्म हो जाएंगे अगर ये कर लोगे ये सिर्फ क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट का ही है ठीक है और इस बार आपके क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट ही आ रही है तो अगर आपको बेसिक एकदम ये बेसिक से एडवांस लेवल का है अगर ये कर रखा होगा तो कोई क्वेश्चन आ जाए कल क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट में से तुम कर लोगे सेम टू सेम उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा नीचे आओगे उसके बाद नाउन का है इसमें नाउन के कुछ लेक्चर्स हैं बेसिक ग्रामर के लेक्चर हैं ठीक है देन नाउन के लेक्चर के बाद प्रोनाउन है प्रोनाउन के करीब सात आठ नौ लेक्चर है प्रोनाउन के उसके बाद आपके हॉर्नबिल हो लोगे इसके अंदर अभी पोयम है पोयम में एक फोटोग्राफ वाली पोयम का है बस बाकी तो मैंने वैसे कराया वर्व है वर्ब है वर्ब के करीब पाँच लेक्चर हैं ठीक है देन वर्ब के लेक्चर के बाद ये कंप्लीट है इसमें मैं अभी दो तीन चीज़ें और है वो डालूंगा एनलिटी और यहाँ पे फिर स्टडी मटेरियल में तुमको ये सारा मिल जाएंगे यहाँ से नोट्स वोट्स सब यहीं मिल जाएगा तुमको ठीक है ये रहा पॉट डिवाइस के नोट जो तुम लोग अभी बोल रहे थे वो वाले सारे नोट्स इसमें हैं इसमें सारे पॉल्टी डिवाइस हैं ठीक है मतलब एल्ट्रेशन हो गया एल्यूजन हो गया एनाफोरा हो गया एन एनथिस हो गया एजोनेंस हो गया ये सारे पोर्टि डिवाइस इसमें है ठीक है तो अपना देख लेना ये कर लेना बाकी एक ये वाला ग्रुप है टेलीग्राम वाला इसमें ज्वाइन रहना और ये इसको कवर कर लेना अब आगे कर लेते हैं ठीक है तो ये तो तुम्हारे उसके थे लैबरेंट सॉरी लैब्रेंट ऑफ बोल रहा हूं लैंड्स के मतलब सोल के कुछ इम्पॉर्टेंट को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ठीक है छब्बीस हो गए थे ना देन नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव वट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव बताओ क्या था पेंटर अकॉर्डिंग स्पिरिट है ना उसके अकॉर्डिंग आत्मा ही तो थी तो इसका आंसर क्या होगा स्पिरिट होगा नेक्स्ट है आपका हाउ डिड द केव ओपन जो केव थी वो ओपन कैसे हुई हाउ डिड द केव ओपन जो केव थी वो ओपन कैसे हुई पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई थी है ना कोलेब्स हिज हैंड तो इसका आंसर क्या था सी और जैसे जैसी अंदर गया था दरवाजा फिर खुद ब खुद बंद हो गया था उसके बाद है what does, या पाथ वाइनीट द चाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट वो किस तरह की चीजों को डवेल करते थे तो वो द पाथ ऑफ आई टू ट्रेवल अप एंड डाउन इन द लेजरली मोमेंट खाली वक्त के समय वो सी ऑप्शन है इसका नेक्स्ट है सी चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स डैश ऑफ डैश पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स ये एक सेम क्वेश्चन ऐसा ऊपर भी था लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे तो इसमें है कि चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स डैश पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स उनको किस तरीके का पार्टिसिपेशन चाहिए था व्यूवर्स का तो बेसिकली मैथोलॉजिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए था उनको व्यूवर्स का ये नहीं कि बस चीज़ों को सुन के वो खड़ा छोड़ दें ठीक है ये उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और बाकी नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम में दे दूंगा जिस और ऐप में वीडियोज अब टेलीग्राम में देना मुश्किल है थोड़ा ढूंढ ढूंढ के कोशिश करूँगा टेलीग्राम और ऐप ये दो जगह देख लेना जहाँ तुम्हें सही लगे ठीक है, टेलीग्राम भी, भी सही है अपना भाई ऐप में देख लो ऐप में भी सही है अब नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। सोल oh, के बाद द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। दो एक एक ग्रुप की कहानी है, है ना और वो कभी झूठ नहीं बोलते कभी चोरी नहीं करते ठीक है और लास्ट में वो चोरी भी कर लेते हैं फिर उन्हें बहुत बुरा लगता है कि हम एक ऐसे ग्रुप से जॉइंट हैं जो कभी चोरी नहीं करता लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया तो वो तो तो ते 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 मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ और मैं बोलूँ भाई ये खून करना नहीं है ये मैंने अपने उस भविष्य के लिए किया है दा 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 दा। नेक्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का देख लो इसमें आता है पहला क्वेश्चन कि भाई द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऑथर कौन है ठीक है इन सब के मैं तुम लोगों को ना वो दे दूंगा नोट्स तो वो भी तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम इवनिंग तक दे दूंगा सबके कोशिश है इवनिंग तक की मिल जाएंगे लेकिन आज ही तुमको क्योंकि उसके बाद फिर आगे भी करना ही है तो फर्स्ट क्वेश्चन है समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स के ऑथर कौन है तो हमें पता ही है विलियम्स इसके ऑथर सेकेंड क्वेश्चन है वट वर द हॉल मार्क्स ऑफ द गारो गैलियन ट्राइब उनका क्या था मतलब एक तो ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे वो लोग है ना ट्रूथ ऑनेस्टी के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे तो वट वर द Hallmarks of ऑफ द गैरो गैलेनियन ट्राइब तो वो किस चीज़ के लिए फेमस है देखो ट्रुथ के लिए वो फेमस थे सच बोलते थे हमेशा ट्रस्ट बहुत अच्छा उनके ऊपर था और उनकी ईमानदारी के लिए फ़ेमस थे तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ट्रुथ भी है और ऑनेस्टी भी है उसके बाद नेक्स्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़ ये तो हमें पता है कि भाई जो समर ऑफ़ द ब्यूटीफुल है दो बच्चों की दो लड़कों की कहानी है और वो जो दोनों लड़के होते हैं वो आर्मेनियन लड़के हैं ठीक है वो क्या है अर्मेना ही अरेबियन है ना ही अशेरियन है ना ही अफ्रीकन है वो अर्मेनियन लड़के हैं दोनों देन मोराद इंजॉयड बींग डैश मोर देन एनी थिंग एल्स मोराद इंजॉय बींग डैश मोर देन एनी थिंग एल्स तो मोराद को जिंदा लाइफ मतलब बड़ा ही ओपन माइंडेड होता है ना कि भाई अरे हाँ अच्छी जिंदगी कट रही है अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो उस तरह का कुछ वह नेक्स्ट वट अकॉर्डिंग टू आराम वॉज इज फर्स्ट लॉन्गिंग वट अकॉर्डिंग टू आराम वट वॉज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग टू राइड अ हॉर्स ठीक है नेक्स्ट Why could Aram believe when he saw Murad with his horse? वो भरोसा नहीं कर पाया था घोड़े के साथ देख कर उसे तो पसंद वो खिड़की पे लेके आ गया था ना घोड़े को वहीं से कि चलो हम चलते हैं ठीक है तो वो बेसिकली इतने गरीब थे कि वो घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा वेयर डिड आराम लीव वेयर डिड आराम लीव कि जो भाई हमारे आराम है वो कहाँ रहते थे ठीक है वेयर डिड आराम लीव वो कहाँ पे रहते थे तो वो वॉलेट एवेन्यू के एच मतलब जहाँ से वो शुरुआत होती थी वहाँ पे रहते थे उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन हाउ डज आराम डिस्क्राइब द हॉर्स आराम ने घोड़े को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था तो भाई उसने बोला था बहुत ही खूबसूरत बहुत ही लवली घोड़ा है और एक वाइट हॉर्स है बहुत ही बेहद खूबसूरत है तो उन्हें दोनों चीज़ों की बात करी थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मतलब मैग्निफिसेंट लवली भी बोला था और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स भी बोला था उसके बाद नाइन्थ नो मेंबर ऑफ द गारो ग्लैरियन फैमिली कुड बी मतलब वो जो लोग थे इस कम्युनिटी के ठीक है पुअर नहीं हो सकते रिच नहीं हो सकते चोर नहीं हो सकते क्रेजी नहीं होते देखो गरीब हो सकते हैं अमीर भी हो सकते हैं पागल भी हो सकते हैं लेकिन वो कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेंगे तो वो चोर नहीं हो सकते कुड नॉट बोला इसमें ठीक है नो मेंबर कुड बी तो वो यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है ना कि ये जब नहीं के लिए पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चे नहीं के लिए फिर वो करके आ जाते उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज ठीक है अब जो मुराद था वो मतलब क्या सकते हो कि किसका वारिस था तो जो मुराद था वो बेसिकली उसके अंकल का वारिस था मतलब डिसेंडेंट जैसे हमारे एंसेस्टर वगैरह होते हैं वो चीज़ हो गई ठीक है देन नेक्स्ट है इसमें हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खर्सपे ठीक है तो बहुत गुस्से वाले थे सबको पता है ठीक है और बहुत इरीटेट करते थे उसमें बिल्कुल भी शांति नहीं थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव ठीक है भाई बढ़िया शिवानी आकांक्षा और कौन है नीतू प्रिया हरे कृष्णा सर ये टे, पी डी एफ टेलीग्राम मिल जाएगी यस इलेवन क्लास का अलग ग्रुप बना देवन टेलीग्राम पे स्माइली स्माइली सर इलेवन ठीक है तुम लोग सर्च करोगे ना अगर स्माइली सर एलेवन बिना स्पेस के तो तुम्हें एलेवंथ क्लास का ऑफिशियल ग्रुप मिल जाएगा करीब डेढ़ सौ एक सौ चालीस बच्चे आ गए उसमें ये सिर्फ एलेवन क्लास का है पर्टिकुलर एलेवन क्लास के लिए स्माइली सर एलेवन उसका कोड है मतलब अगर तुम्हें सर्च करना है तो तुम्हें बिना स्पेस दिए लिखना है एस एम आई एल ई वाई एस आई आर एलेवन बिना स्पेस दे के लिखना है ये तो तुम्हें ये ग्रुप मिल जाएगा इसे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर ठीक है आगे की बातचीत वहां हो जाएगी ये सिर्फ एलेवेंथ क्लास के लिए है, मतलब अगले साल ये फिर ट्वेल्थ का बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डेड अंकल क्रोशवे डू टू स्टॉप एनी वन खुश्रो डू टू स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग किसी को भी बात करने के लिए वो क्या करते हैं उन पर चिल्ला उठते थे जैसे तो तुम लोग को मम्मी बोलती है ना जा पानी की बोतल भर के आ तो तुम चिल्ला उठते हो कि भाई मैं ही खाली हूँ क्या वो भी तो फ़ोन चला रही है उसको बोल दो मैं ही दिख रही हूँ हाँ ठीक है वट वॉज द अंकल कस्टमरी लाइन जो अंकल की बेसिकली लाइन क्या थी वो हमेशा बोलते इट इज़ नो हार्म पे अटेंशन टू इट कि भाई पे नो अटेंशन टू इट इग्नोर मतलब इन डाय हम वो हमें चीज़ों को इग्नोर करते थे चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो ये उनकी एक कस्टमरी लाइन थी वट आराम रोड जब आराम ने घोड़े को चलाया था अकेले और वो चलते 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 वो किस रोड को चला गया था वेन आराम रोड द हॉर्स अलोन इट रेन डाउन द रोड टू वेयर वाइन यार्ड ठीक है वाइन यार्ड में चला गया था हाँ तो वहाँ जाके मतलब बाद में वो उस मिलता भी तो एक उसको आदमी मिलता है वो बोलता है कि तुम लोगों के पास एक घोड़ा कैसे आया ठीक है और एक्चुअली वो उसको शक हो जाता है जब बाद में और वही उस घोड़े का रियल मालिक होता है दांतों से और मुँह से मुराद हैड बिन हाइडिंग द हॉर्स मुराद जो है वो घोड़े को कहाँ छुपा देता है वो वाइन यार्ड के बाढ़ में ठीक है तो कई बार होता है ना हम लोग चोरी करते हैं जो जिसका सामान चोरी करते हैं उसी को बेचने में चले आते हैं हम तो खैर नहीं है चोर मतलब कई बार चोरों से ऐसी गलती हो जाती है उसके बाद है वट वॉज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली जो घोड़ा था उसका बिहेवियर शुरुआत में कैसा था वो पागलों की तरह दौड़ रहा था क्योंकि ना ही आराम को ना उन लोगों को घोड़ा चलाना नहीं आता था ठीक है इसका आंसर है सी नेक्स्ट है वट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग डिट मोराद मैंशन विद हिज हॉर्स बाद में तो सेटल हो गए थे चीज़ें और वो तो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो घोड़े के साथ उसने मेंशन करी थी तो बेसिकली वो बहुत ऑनेस्ट और सिंपलेस्ट था मैच्योर नहीं था मैच्योर वाला तो पूरी कहानी में कहीं पर नहीं है ठीक है कॉम्प्लिकेटेड हुआ नहीं था डिफिकल्ट उसको लगा नहीं था बाद में नहीं कंट्री साइड थोड़ी है बढ़िया जिया नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जिया इसमें लेट आता है क्या नेक्स्ट है जॉन बायरो लर्न टू स्पीक अर्मेनियन आउट ऑफ वट क्यों सीखी थी उन्होंने जॉन बायरो ने अर्मेनियन क्यों सीखी थी क्योंकि उन्हें अकेला महसूस होता था ही वॉज वेरी अलोन नेक्स्ट है हु वॉज द ट्रू नोअर ऑफ द हॉर्स कौन था जॉन वायर ठीक है डिड मोराद द हॉर्स बिफोर आराम गॉट टू नो अबाउट इट क्योंकि उसको नहीं पसंद था ना चोरी का ऐसा कुछ कि भाई हमारे कबीले के ऊपर बात आ जाएगी तो कितने दिनों तक उसके पास वो घोड़ा था एक दिन एक साल एक महीने एक हफ्ता एक महीना वन मंथ तक वो घोड़ा उसके पास था नेक्स्ट एट वट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स उन्होंने घोड़े को की लगाम कब खींची ठीक तो है उन्होंने घोड़े की लगाम कब खींची तो उन्होंने घोड़े की लगाम एकदम सुबह सुबह खींची थी अर्ली मॉर्निंग देन नेक्स्ट है आई हैव अ वे विद फार्मर्स हु सेज इट टू हुम बताओ आई हैव अ वे विद फार्मर्स हु सेज इट टू होम किसने ये किससे कहा था मुराद ने आराम को कहा था mm -hmm. बिल्कुल सही उसके बाद नेक्स्ट है वाई डिड द हॉर्स ओनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉयज हैड stolen हिज हॉर्स mm -hmm. क्यों yeah. क्योंकि भाई वो जो लोग थे वो जिस कबीले से थे उनको ईमानदारी के लिए माना जाता था इसलिए उन्होंने कभी भरोसा ही नहीं किया कि ये भी चुरा सकते हैं या ये भी चीज़ों को चोरी कर सकते हैं ठीक है और एक लाइन आती है क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न ये लाइन किसने किससे बोली थी ठीक है ये लाइन किसने बोली थी क्वाइट मैन क्वाइट तो अंकल कृषोभ ने ही इस लाइन को कहा था तुम्हारा घोड़ा तो तुम्हें मिल गया ना नेक्स्ट हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी ये तो हो गया ठीक है और यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया थीम की बात कर लेते हैं कि भाई ये वैसे नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा कि भाई इसमें जो इस स्टोरी का जो आइडिया और थीम है वो किस चीज़ पर डिपेंड है तो इसमें सब कुछ है मतलब पॉजिटिविटी से भरी एक कबीला है ट्रस्ट लव से भरा कबीला है उसके लिए है ये ठीक है भाई तो ये तुम्हारे दो चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज सी इम्पोर्टेंट ये तुम्हें मिल गए ठीक है अब करीब रह गए तुम्हारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चैप्टर के रह गए ये मैं कराता हूँ तुम्हें थोड़ी मतलब दस मिनट बाद जब तक इन वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो